ये क्या बोल रहे हो, बकरी का बच्चा बेच दिया? हाँ। कितना प्यार लुटाकर अपने बच्चे की तरह बकरी के बच्चे को पाला और तुमने उसे बेच दिया। बेकार की बात मत, बच्चे की तरह पाला था ना, लेकिन बच्चा तो नहीं था ना। हमारी बच्ची अनीता उस बकरी के बच्चे पर जान छिड़कती है, जब उसे पता चलेगा तो बेचारी टूट जाएगी। जानता हूँ शीला, पर दूसरा कोई रास्ता नहीं। ईस्टर का खर्चा और जो कर्जा है वो चुकाना है। कर्जा ले लेकर दरिद्र मत होना, ऐसा बाइबल में कहा है। एक दिन की खुशी के लिए साल भर कर्ज में नहीं डूबना चाहता। मैंने सोच के देखा, मैंने 4 बड़े बड़े बकरे दिखाए, लेकिन शेखर ने मुझसे कहा कि छोटी बकरी भी बेच डालो, कुल मिला के एक रकम मिल जाएगी। तो उसके लिए बेचना जरूरी था? संकट में बच्चों को बेचते हैं क्या? शीला, गुस्सा मत दिलाओ। बकरियां गाय भैंस जो पालते हैं बेचने के लिए ही। तुम सच कह रहे हो, लेकिन उसे ऐसे नहीं पाला था। गोद में सुलाते थे, जब रस्सी खोलते तो हमारे पीछे ही घूमता रहता था। वो तो बेचारा बेजुबान जानवर था, बस मैं करता रहता था। स्कूल से आने पर जब अनीता जानेगी तो खुद ही संभालना उसे। सोते समय भी उसे अपने पास ही सुलाती थी। जरा मुझे शेखर का नंबर तो देना। उसका मोबाइल खराब हो गया है। कहाँ जा रही हो? और कहाँ, मैं शेखर का घर जानती हूँ। शीला, सुबह सुबह 11 बजे ही टेम्पो में लोड कर दिया, 24,000 रुपए बने हैं और सारा खर्चा निकाल के ये पैसे बचे हैं। इसका मतलब? अभी तक तो उसे काट दिया होगा। उसे काट दिया होगा? तुमने बहुत जल्दबाजी की। इतने लाड प्यार से जिसे पाला उसे ही पैसों के लिए बेच दिया, उसकी बलि चढ़ा दी, बेकार में उसका कत्ल कर दिया। नहीं माँ, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा। ये क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। जब आप डैडी को डांट रही थी तभी मैं आ गई। ईशू ऐसा नहीं होने देंगे माँ। हमारा बकरी का बच्चा सलामत है, वो जिंदा ही होगा, क्योंकि जीवित होने वाले ईशू बहुत ही अच्छे हैं। वो मुझे उसे लौटा देंगे। चिंता मत करो, मैं उसे लेके आती हूँ। अनीता, शेखर अंकल। हे अनीता, कैसी हो? आओ आओ आओ, ये देखो चॉकलेट है, चक्री है, बिस्किट है, वहाँ भी एक बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक्स है। तुझे क्या चाहिए बोल? मेरा बकरी का बच्चा चाहिए। बकरी का बच्चा? छोटा सा बच्चा जिसे आप मेरे डैडी के पास से लेकर आए हैं। हाँ, मैं लेकर तो आया था, बहुत सुंदर था वो। हाँ वही बकरी का बच्चा, वो मुझे चाहिए अंकल। क्यों बेटा, बहुत प्यार से पाला था क्या? उसे स्नान कराती थी, घास खिलाती थी, बिस्किट खिलाती थी, बोतल से दूध भी पिलाती थी, वो भी पूरा पी जाता था। मैं भी उल्लू का पट्ठा हूँ, बस पैसों के पीछे ही भागता हूँ। बेटी अनीता, उस बकरी के बच्चे को अभी तक काट भी दिया होगा। नहीं अंकल, मेरे ईशु पिता उसे कटने नहीं देंगे। लेकिन वो अब है कहाँ? नहीं जानता बेटी, उस रमेश की गाड़ी में लोड किया था, किस कसाई को दिया होगा कुछ पता नहीं है। एक काम करते हैं, चलो मेरे साथ। रमेश अच्छी तरह से सोच के जवाब दे यार, मियाँ के दुकान पर ही उतारा। अरे हाँ भाई, उस बकरी के बच्चे को बहुत प्यार से पाला है, तू झूठ मत बोल। अरे मैं सच कह रहा हूँ, वहीं छोड़ा था। मुझे बैंक में कुछ पैसे जमा कराने हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। तू एक काम कर, इसे मियाँ के दुकान पर छोड़ देना। उसी तरफ तो मुझे जाना है, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। चलो अच्छी बात है, वहाँ तुम्हारी बकरी मिल जाएगी। मुझे थोड़ा काम है, तुम रमेश के साथ जाओ। ठीक है? ठीक है अंकल। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो बच्चे। मिया जी, इस बच्चे का नाम है अम्मू। अंकल मेरा नाम अनीता है। मिया जी, इसका एक प्यारा सा बकरी का बच्चा हमारे यहाँ कटाई के लिए आया है। क्या? वो 6 किलो का बच्चा, उसे मैंने नहीं काटा। अनीता, वो बच्चा जिंदा है। मिया जी, वो बच्चा है कहाँ? हमारे पास हमेशा बल्क ऑर्डर आता है, कभी 35 किलो और कभी 40 किलो, और इसीलिए बकरे भी बड़े बड़े ही आते हैं। वो मानिकलाल है ना, जिसकी दुकान बस अड्डे के पास है। हाँ वही, उसकी कोई औलाद नहीं और हमेशा परेशान ही रहता है, वही मानिकलाल। बकरी का बच्चा चाहिए, मुझसे कहा था, मैंने भेज दिया। अनीता, ये जो दुकान बोल रहे हैं। अंकल वो मैं जानती हूँ, अब तुम अपना काम देखो, बकरी के बच्चे को मैं जाके ढूंढूंगी। क्या बात है बच्ची, मटन चाहिए क्या? बकरी का बच्चा चाहिए। बकरी का बच्चा? आपका नाम मानिक अंकल ही है ना? मानिक अंकल नहीं बेटा, मेरा नाम सिर्फ मानिकलाल है। अंकल, मियाँ जी की दुकान से मंगाया था ना बकरी का बच्चा,
उसे मैंने ही पाला पोसा। ओहो तो वो, लेकिन उसे तो बहुत पहले ही काट दिया। यीशु पिता। हैं? नहीं नहीं, उसे तुमने बिल्कुल नहीं काटा होगा। मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है। यीशु पिता, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। कुछ भी करके बकरी का बच्चा मुझे लौटा दो पिता। सुनो बेटा, अरे सुनो, अरे सुनो अंकल, तुमने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला था। अगर पता होता तो मैं उसे नहीं काटता। नहीं नहीं अंकल, तुमने उसे नहीं काटा होगा, क्योंकि मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है। यीशु पिता, मेरा बकरी का बच्चा लौटा दो पिता। बेटा सुनो, ये क्या तुम बार बार यीशु पिता बोल रही हो? अच्छा एक बात बताओ, जो बकरी का बच्चा मर गया वो जिंदा कैसे होगा? जिस मनुष्य की मृत्यु हुई थी जब उसे ही जीवित कर दिया तो। किसने? यीशु पिता ने। लेकिन उस बच्चे को तो काट दिया है ना। नहीं नहीं अंकल, मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है। लगता है कि तू बेकार में मुझे पागल बना रही है। मैंने तो कहा ना उस बच्चे को काट दिया है। तुमने नहीं काटा है और ना ही तुम उसे काट सकते हो। मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा, ऐसा यीशु पिता ने मुझे वचन दिया है। मेरा बकरी का बच्चा जरूर मिलेगा। यीशु पिता के ऊपर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ बहुत है। ज्ञान मांगती हो तो ज्ञान देते हैं। चंगाई मांगो चंगाई देते हैं। साइकिल मांगी थी वो भी दे दी। अंकल जब एग्जाम हो रहे थे तो मेरा स्केल टूट गया था, प्रार्थना करके मांगा, नया स्केल मिल गया। चलो मानता हूँ, अगर औलाद मांगेंगे तो मिलेगी क्या? अंकल तुम खुद एक छोटी बच्ची हो, अब तुमसे ये बात कहना ठीक है या नहीं पता नहीं। तुम्हारे इस अंकल की शादी हुए 11 साल हो गए, हमारे घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बात करने वाली हमारी कोई औलाद नहीं है। तो बस इतना ही ना, यीशु पिता से मांगो ना, देखना तुरंत दे देंगे। तुम कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो ना अंकल? वो इसलिए क्योंकि तुमने कहा है कि वो मांगने पर दे देंगे, जबकि मैंने कोई इलाज नहीं छोड़ा है, बल्कि एक से एक डॉक्टर को ले जाकर दिखाया है। न जाने मैं कितने मंदिरों में गया, सब बेकार हो गया। अंकल तुम हाथ घुमाकर अपनी नाक पकड़ रहे हो। क्या मतलब? सिंपल सा एक आइडिया बताती हूँ, स्ट्रॉन्गली वर्कआउट होगा, एकदम से काम करेगा। पूरे विश्वास के साथ यीशु पिता से प्रार्थना करके मांगो। देखना अगले साल तुम्हारे यहाँ छोटा बच्चा होगा। और बेटा तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरी भी उम्मीद बढ़ रही है। ये बताओ तुम्हारे यीशु पिता में इतना सामर्थ है क्या? हाँ अंकल, मटन खाने से क्या मिलता है? पोषण। और सूप पीने से? ताकत मिलती है। ठीक वैसे ही प्रार्थना से सब मिलता है। बेटा बेटा इस अंकल को बताओगी कि प्रार्थना कैसे की जाती है? खड़े हो जाओ। लो खड़ा हो गए। अब हाथ जोड़ो। लो जोड़ लिए। आंखें बंद करो। बंद कर ली। अब विश्वास रखो। हाँ रख लिया। गुड, अब मैं प्रार्थना करूँगी, तुम बस स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो बोलते रहना। स्तुति हो। गुड, विश्वास के साथ जोर से बिना किसी झिझक के बोलना। ठीक है बेटी, स्तुति हो। अपना लहू बहाकर। स्तुति हो। कांटों का मुकुट पहना। स्तुति हो। प्राणों की बलि दी। स्तुति हो। पुनः जीवित हुए। स्तुति हो। और हमारा उद्धार किया। स्तुति हो। यीशु पिता। स्तुति हो। तुम अपनी संतान को देखो। स्तुति हो। उनकी पत्नी को संतान सुख प्रदान करो। स्तुति हो। बिना संतान के जी रहे हैं, तुम अपनी बेटी के आंसू पोंछो। स्तुति बोलने के लिए बोला है, तुम भी बोलो, बोलो, बोलो। स्तुति हो। तुम्हारे नाम की महिमा हो, अपना सामर्थ्य दिखाओ, अंकल को आशीर्वाद दो। स्तुति हो। आंटी के ऊपर कृपा करो। स्तुति हो। पवित्र आत्मा का इन्हें आशीर्वाद मिले। क्यों बेटा, बस इतना ही ना? तो यही है ना आंटी? बेटी तुम वाकई बहुत ही होशियार हो, मेरी भलाई के लिए कितनी अच्छी प्रार्थना की, लेकिन मैं एकदम पागल हूँ, तुम्हारा प्यारा सा बकरी का बच्चा काट दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ जयंती, सफेद और काले रंग का एक छोटा सा बकरी का बच्चा था ना। हाँ था ना। जिसे काटने के लिए मैंने दुकान पे भेजा था। लेकिन भेजा नहीं ना। भेजोगे तभी तो ना कटेगा। जयंती ये क्या बोल रही हो? उसे भेजने के लिए बोलकर तुम यहाँ दुकान पर आ गए, तभी तुम्हारी बहन की लड़की घर पे आई, रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी, तो उसे चुप कराने के लिए उसके हाथों में बकरी का बच्चा दे दिया, रोना बंद हो गया और उसके साथ खेलने लगी, और अब कहीं जाकर वो सोई है, और बकरी के बच्चे को बांधकर मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। बेटा। यीशु पिता। हाँ हाँ वो है, मैं विश्वास करता हूँ। जयंती इस बच्चे ने कहा था, मुझसे कहा था
कि मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है और देख लिया। अंकल, यीशु पिता आज भी जीवित है, वो कोई मरे हुए ईश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर है। और संसार में सभी लोगों के लिए वो चमत्कार आज भी करते आ रहे हैं। अब तो विश्वास रखते हैं ना? मैं विश्वास रखता हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए एक मिनट रुको। अरे नवीन। हाँ बोलो भैया। तुम एक काम करो, उस बकरी के बच्चे को लेकर आ जाओ। अभी आता हूँ। हेलो मैडम, बोलिए ना। हाँ हाँ बोलिए ना, डॉक्टर कल्पना है। ओह हाँ हाँ ठीक है मैडम, ये बात है। थैंक्स मैडम। हाँ मैं जरूर आऊंगी। कल यूरिन टेस्ट के लिए मैं क्लिनिक गई थी ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। उसका मतलब? यही कि मैं पेट से हूँ। जयंती, तुम सच कह रही हो? बेटी, ये चमत्कार हो गया बेटी। हाँ सच में यीशु पिता, बेटी जैसा तुमने कहा वैसा ही हो गया। जयंती, इस बच्ची ने मुझसे कहा था, हमने प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। मैं विश्वास करता हूँ, मन से विश्वास करता हूँ। ये लो भैया। बेटी लो, ये लो, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए छोटा सा, नहीं नहीं बहुत बड़ा तोहफा। लो संभालो अपनी अमानत। आ जाओ बेबी। मेरी प्यारी बेबी। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दिन यरूशलेम शहर में यीशु मसीह जहाँ पुनः जीवित हुए उस कब्र के सामने खड़े रहकर आपके साथ बात करने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन पवित्र शास्त्र का एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस वचन को ध्यान से सुनकर यदि आप मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे तो जीवित यीशु मसीह का आशीर्वाद आप अपने जीवन में अवश्य प्राप्त करेंगे। पवित्र शास्त्र में प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। मेरे प्रिय बंधुओं, यीशु ने कितनी बढ़िया बात कही है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। इस संसार में अनेक लोगों ने खड़े होकर कहा है कि मैं ईश्वर हूँ, अनेक धर्म के ठेकेदारों ने कहा है, लेकिन किसी ने भी मैं मर गया था लेकिन अब देख मैं जीवता हूँ इस प्रकार से अपने मुंह से कभी नहीं कहा। आज के दिन देखिए, संसार भर में देश के जो मुखिया हैं या प्रभावशाली मनुष्य जो हैं या फिर धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को ईश्वर मानने लगे हैं, उनके मरने के बाद जब उन्हें दफना दिया गया हो या उनका धर्म अनुसार क्रिया कर्म कर दिया गया हो, बस इतना ही, अब प्रत्येक साल उनके जन्म दिन पर, उनके मरण दिन पर एक माला सी रख देते हैं, वो इसी दिन मरे थे ऐसा बोलकर उन्हें याद किया जाता है। लेकिन इस संसार में केवल एक ही है जो मर गया था और मरने के बाद आज भी युगानुयुग जीवता है। मेरे प्रिय बंधुओं, यरूशलेम में यीशु की इस कब्र को देखिए, इसे खोल कर रखा गया है। यहाँ पर कोई फूल वगैरह नहीं रखता है, ना ही यहाँ पर कोई फूलों की माला चढ़ाता है, ना ही कोई मोमबत्ती जलाकर ओ हो यीशु मर गया था ऐसा बोलकर रोया करता है, क्योंकि यीशु यहाँ है ही नहीं। वो तो पुनः जी उठे थे और आज भी जीवित हैं, इस संसार में आकर मनुष्यों के लिए मरे और पुनः जीवित होने वाले केवल यीशु मसीह हैं, और इसीलिए तो वो समस्त संसार के ईश्वर हैं, उद्धारकर्ता हैं, ऐसा हिम्मत से बोल पाते हैं। मरकर आज भी जीवित रहने वाले यीशु मसीह जहां पुनः जीवित हुए वहां खड़े रहकर आप सबसे बात करने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यरूशलेम में गुलगुता पहाड़ की तराई में पवित्र शास्त्र में कहे अनुसार यीशु मसीह की कब्र है, यहीं पर उन्हें दफनाया गया था और तीसरे दिन यीशु जीवित हो उठे। इसे यहाँ पुण्य स्थान के नाम से नहीं देखा जाता है कि ये यीशु मसीह हैं, यहाँ वो जीवित हुए थे ऐसा बोलकर लोग यहाँ पर नमन नहीं किया करते हैं, क्योंकि यीशु मनुष्य के हृदयों में वास करते हैं।
वो इस जगह जीवित हुए इस बात के लिए ये जगह एक गवाही के रूप में है, क्योंकि संसार के इतिहास को यीशु ने दो परतों में बदला है। संसार के इतिहास में मरने के बाद कोई भी जीवित नहीं हुआ और ना ही कोई आज तक जीवित रहा है। केवल यीशु मसीह हैं जो मरकर आज भी जीवित हैं। उनके जीवित रहने से मेरा क्या फायदा है? पुनः जी उठने वाले यीशु आज हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं? पवित्र शास्त्र में पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, यीशु मरने के बाद जब पुनः जीवित हुए तो इस कब्र के सामने पहली बार मरियम मरादलीनी को उनके दर्शन हुए। पवित्र शास्त्र कहता है, मरकुस 16वां अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन पढ़कर देखिए। वहां पर यह लिखा गया है, मरियम मरादलीनी ने पहली बार पुनः जीवित होने वाले यीशु को देखा। उसके बाद उनके शिष्यों ने, उसके बाद 500 से ज्यादा लोगों ने, अनेक लोगों को यीशु जीवित है इस प्रकार से दर्शन दिए। पवित्र शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। मरियम मरादलीनी को प्रथम दर्शन कराने का प्रभु का कारण क्या है? वो मरादली नाम के गांव में रहने वाली एक स्त्री है, एक जमाने में दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होकर शैतान की चपेट में रहने वाली एक स्त्री। 7 दुष्ट आत्माएं उस पर थी। इस प्रकार से मरकुस 16वें अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, जरा सोचिए, एक लड़की शैतान की चपेट में आ जाती है, जवान लड़की। उस गांव में लोग उसे कितना बुरा भला बोलते होंगे, इस पर शैतान रहता है, उसका अपमान करते होंगे, उसका मजाक उड़ाया करते होंगे। सहायता करने वाला कोई नहीं था। इतने सारे दुखों के बीच प्रभु यीशु ने एक दिन उससे भेंट की और आश्चर्यजनक रूप से दुष्ट आत्मा से उसे छुड़ाया, शैतान को भगाकर उसे छुड़ाया। इसलिए उसमें यीशु के प्रति अत्यधिक प्रेम था, एक पिता से प्रेम करने जैसा उसने प्रेम किया, और प्रभु यीशु ने भी एक पुत्री की तरह उससे प्रेम किया। इसलिए जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया तो पास में ही खड़े रहकर वो उन सारे दुखों का आभास कर रही थी। उसके बाद यीशु को दफना दिया गया तो उसने कहा, अब मेरा कौन है, अब मैं किसके पास जाऊंगी? उसके अंदर जो ये दुख था वो बाहर दिखाई दिया। कब्र के सामने खड़े रहकर वो जब रोकर आंसू बहा रही थी तो प्रभु ने उसके आंसुओं को देखा, और इसीलिए यीशु ने सबसे पहले मरियम मरादलीनी को दर्शन दिए। यूहन्ना 20वां अध्याय 15वां वचन कहता है, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? बोलकर उसके आंसुओं को पोंछकर उसे प्रसन्न करते हैं। यीशु को देखकर वो खुशी से फूली नहीं समाती है। आज आप लोग क्या आंसू बहा रहे हैं? मेरा कौन है सोचकर आप आंसू बहा रहे हैं? मुझे समझने वाला, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, एक अनाथ की तरह हूँ सोचकर आप आंसू बहा रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए हूँ बेटे, मेरी बेटी मैं तेरे लिए हूँ, वो बोल रहे हैं। ये यीशु आपको देखकर बोल रहे हैं, मैं मरकर आज भी जीवित हूँ, मैं तेरा पिता बनकर रहूंगा, तुझे समझने वाला एक पिता बनकर रहूंगा। ऐसा प्रभु यीशु आपको देखकर बोल रहे हैं। वह आपके आंसुओं को पोंछकर आपको प्रसन्न करने के लिए ही आज के दिन आपसे भेंट कर रहे हैं। उदास मत होइए, आपके जो दुख हैं वो आज सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि जीवित यीशु आज आपसे भेंट कर रहे हैं। विश्वास के साथ बस आप यीशु को देखें, आपके आंसू पोंछे जाएंगे और एक चमत्कारी बदलाव आप स्वयं देखेंगे। दूसरी जो बात है, यूहन्ना 20वें अध्याय के 19वें वचन को जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे यीशु ने अपने चेलों को दर्शन दिए। इस यरूशलेम नगर में एक घर के अंदर सारे चेले डर के मारे दरवाजे बंद करके छुप कर बैठे हुए थे, क्योंकि यीशु को मारने वाले धर्म के ठेकेदार कहीं उनको भी ना मार डालें, इस बात का डर था। मनुष्यों से डरे हुए थे क्योंकि उन्हें मौत का डर सता रहा था, भविष्य का सोचकर भयभीत थे। क्या करें समझ में नहीं आ रहा सोचकर बहुत डरे हुए थे। अब आगे क्या करना होगा इसी बात से वो लोग जूझ रहे थे। लेकिन जी उठने वाले यीशु ने वहां आकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु को देखकर सारे चेले आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु तो मर गए हैं, अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, सोचकर वो लोग जूझ रहे थे। लेकिन यीशु को पुनः जीवित देखकर प्रसन्न हुए, उनके सारे दुख सुख में बदल गए और उनका सारा डर दूर हो गया और उनके जीवन में नया विश्वास पैदा हुआ। यीशु के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। इस तरह से बाइबल और इतिहास कहता है। मेरे प्रिय बंधुओं, जीवित यीशु का जरा ध्यान करके देखिए, क्योंकि आपके लिए ही वो मृत्यु पर जय पाकर जीवित हुए और आज भी उनके जीवित शरीर में घाव दिखते हैं, कीले ठोकने के घाव। इस यूहन्ना में 20वां अध्याय उसके अंत के कुछ वचन पढ़कर देखिए। थोमा ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, कहा देखूंगा तो करूंगा।
उनके हाथों के घाव मुझे देखने हैं, वो यीशु ही हैं, ये तुम कैसे कह सकते हो? तब यीशु ने प्रकट होकर अपने घावों को दिखाकर कहा कि ये देख मेरे घाव, आज भी उनके शरीर में अत्याचारों के घाव हैं। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि अपने घावों से ही वो हमें चंगा करते हैं, अपने घाव वाले हाथों से ही वो हमें आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि पुनः जीवित होने से पहले क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया था, वो भी हमारे पाप, शाप, बीमारी, वेदनाएं, इन सब को वो क्रूस पर सह चुके। हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए अपने पूरे शरीर पर घाव सहने के लिए मेल मिलाप किया, और इसीलिए आज भी वो घाव उनके शरीर में देखे जाते हैं। उन हाथों के घाव से ही वो चमत्कार करके आशीष देते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीले ठोकने के जो घाव हैं, आज वो आपको स्पर्श करेंगे, आपको एक छुटकारा, चंगाई, प्रसन्नता, ये सब प्रभु अवश्य देने वाले हैं। मेरे साथ आप भी विश्वास करेंगे ना? मेरे साथ मिलकर विश्वास से प्रार्थना करेंगे। हे यीशु, पुनः जी उठने वाले यीशु, अपने हाथों से मुझे स्पर्श करो, मेरे लिए चमत्कार करो, छुटकारा दिलाओ, मेरे आंसुओं को पोछो। इस तरह से मेरे साथ यदि प्रार्थना करेंगे तो अवश्य आज आप चमत्कार पाएंगे। अब हम प्रार्थना करें, मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे ना? हम प्रार्थना करें। परम पिता, तुम्हारे ये वचन सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इन लोगों के लिए तुम क्रूस पर मरे और पूरे शरीर पर अत्याचार और घाव सहे, उसका ध्यान कराओ। मृत्यु पर जय पाकर जी उठने वाले, मृत्यु को हरा कर जय पाने वाले, तुम इस समय हमारे बीच उपस्थित हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम्हारे ये वचन सुनकर मेरे साथ प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति को तुम छू रहे हो, अपने पवित्र हाथों से उन्हें स्पर्श कर रहे हो। यीशु के नाम से उनके आंसू पोंछे जाएं, उनकी चिंताएं दूर हो जाएं। यीशु के नाम से बीमार शरीरों को स्पर्श करो, तुम्हारा जी उठने वाला सामर्थ्य इनके शरीर में उतर कर आए। यीशु के नाम से समस्त बीमारियां दूर हो जाएं, मृत्यु की बीमारी लेकर आने वाले नासूर रोग दूर हो जाएं, रोग के जीवाणु यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं, शरीर के जिन अंगों में जान नहीं उनमें जान आ जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जो बीमार शरीर है वो नए शरीर में बदल जाएं, चमत्कारी चंगाई देकर आशीर्वाद दो। इनके मन में जो डर है वो निकल जाए, डर लेकर आने वाले शैतान की जो क्रिया है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मृत्यु का डर इनके मन में से निकल जाए, मरकर पुनः जी उठने वाले यीशु के नाम से इनके अंदर मृत्यु पर जय पाने वाला विश्वास पैदा हो जाए। आज ही इन्हें आशीर्वाद दो, चमत्कार व भलाइयां ये देखें। जीवित यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमेन आमेन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपको छुआ और आपके लिए चमत्कार भी कर दिया। विश्वास के साथ अपने चमत्कारों की राह देखें, आज से ही आप चमत्कारी बदलाव देखेंगे। यीशु आज भी जीवित हैं, उसके लिए कितनी आश्चर्यजनक गवाही हमारी आंखों के सामने है। संसार में ऐसा आप कहीं और नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाकर जीवित परमेश्वर हैं। क्योंकि अकेले वही हैं जो मृत्यु पर जय पाकर आज भी जीवित हैं। केवल वही एक ऐसे प्रभु हैं जो मरकर आज भी जीवित हैं। दूसरा कोई ईश्वर मरकर क्या आज भी वो जीवित है, या अंधविश्वास में रहकर उनका नमन करते हैं? जरा सोच कर देखें, यीशु की कब्र के ऊपर कोई भी फूल या फूल की माला नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो मरे हुए परमेश्वर नहीं हैं, जीवित परमेश्वर हैं। जीवित परमेश्वर को यदि अपना बना लेंगे तो जीवन में सुख शांति छा जाएगी। आप अपने जीवन में यदि जीवित यीशु को अपना लेंगे और उनके साथ जीने के लिए समर्पित हो जाएंगे तो प्रभु का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में छाया रहेगा। आमीन।